अच्छा राघव तुम ही बताओ, बोलो बोलो बोलो, डरने की जरूरत नहीं भाई, हमें कोई परेशानी नहीं है सरकार। सारे गांव में कोई समस्या नहीं है डीएम साहब। ये आप क्या कह रहे हैं काका? क्या आपके घर में बिजली है? क्या आपके घर में शौचालय है? क्या औरतें यहाँ पर सुरक्षित हैं? कहिए। डीएम सर, आप खुद इस गांव की औरतों से पूछ लीजिए, शौचालय ना होने की वजह से यहाँ पर कितनी मुश्किलें आ रही हैं। क्या यह सच है? किसी मर्द के आगे हम अपना समस्या वो भी खुले में कैसे बताएं? चलो चलो चलते हैं। अरे आप सब कहाँ जा रही हैं? आप ऐसे कैसे बिना कुछ कहे जा सकती हैं? अगर आप अब नहीं कहेंगी तो इस गांव का विकास कैसे होगा? देखिए बंजन, आप इनसे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकती। सर आप समझ नहीं रहे, ये सब इस प्रधान के डर की वजह से कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए मैं आपकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ, आप अपनी समस्या तो बताइए। नहीं नहीं साहब, हम लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, हम लोगों के घरों में बिजली है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम बहुत खुश हैं साहब। रामेश्वर काका आप ही कहिए, अगर आपके घर में बिजली है तो फिर शादी पर आपने जनरेटर क्यों मंगवाया था? कहिए। झूठ ये नहीं तुम बोल रही हो। ये साहब मुझे ये समझ में नहीं आता, आखिर ये लड़की चाहती क्या? ये देखिए बिजली जल रही है। और सर बिजली तो शहर में भी जाती है, यहाँ चली गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पता नहीं ये लड़की इस बात का इतना बवाल क्यों मचाई हुई। देखो गुंजन, तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, आगे इस चीज का ध्यान रखना। चलो सभी लोग अपने अपने घर चलो, आज का तमाशा खत्म। क्या सोच रही है? गांव का उद्धार करने आई थी। तुम्हें पता है इस गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी भाषा समझते हैं, समझे? Oh, 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 oh.
जयराम जी। अरे माँ आप मुंह मीठा कीजिए, आपका बेटा यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है, जहाँ पे अपनी गाड़ी, अपना कैबिन और अपनी नेम प्लेट। और क्या? और शीतल। शीतल ये कौन है? माँ मेरी सुंदर सी पर्सनल सेक्रेटरी। लीजिए लीजिए मुंह मीठा कीजिए, खाइए खाइए। लीजिए चाची मुंह मीठा कीजिए। दाऊजी मुंह मीठा कीजिए। मीठा देखा बेटा, हम कहते थे ना, पर तुम्हें तो भरोसा ही नहीं था, और अब देखो साथ में इतना अच्छा प्रोफाइल भी मिल गया। चीताव जी बस आपका आशीर्वाद है। क्यों नहीं, सब राम जी की कृपा है। हम तो ना राम जी को आज 100 लड्डुओं का भोग लगाएंगे। माया गुंजन को बताया? ताई जी मैं तो कब से गुंजन का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल है। मैसेज किया उसका भी कोई रिप्लाई नहीं। क्या हमारा जी बहुत घबरा रहा है, भगवान करे सब ठीक हो। आप अभी के अभी यहां से जाएंगी, बस उनसे ज्यादा हैरानी मुझे तुम पर हो रही है। तुम वहां थे ना, तुमने देखा सब कैसे चुपचाप खड़े थे, एटलीस्ट तुम तो कुछ कह सकते थे ना, लेकिन नहीं तुम वहां चुपचाप खड़े होके बस तमाशा देखते रहे। क्यों? मुझे अपने गांव वालों पर हैरानी नहीं है, क्योंकि मुझे पता था यही होने वाला है, यही होता है, एक बार नहीं 100 बार। उस प्रधान के इशारे पर नाचते हैं सब लोग, सबके अंदर डर है गुंजन, डर। ये सही कह रहे हैं भाभी। भाभी आपकी भला इसी में कि आप यहाँ से चले जाइए। भाभी अब तो हमें भी यही लगने लगा है कि कुछ नहीं हो सकता इस गांव का और गांव वालों का, आपने बेकार ही मेहनत की। जगाया तो उन्हें जाता है जो सो रहे हैं, पर यहाँ बस मुर्दे ही बसते। अगर मुर्दे हैं ना तो उनमें जान डालूंगी मैं, कुछ भी करूंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। हम आपके साथ हैं बेटा, हमने तो अपनी बेटी खो ही दी है, और इस गांव में सभी मन ही मन अपनी अपनी बेटी को खो देने के लिए तैयार ही बैठा है, और ये डर मुझे रात दिन सताता है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। और हुआ भी क्या आवाज उठा के, कुछ नहीं ना, यहाँ कुछ करने कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तुम जाओ यहाँ से, अपना समय मत खराब करो। हाँ तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, हरगिज नहीं। चलो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। We'll be right back.
हाँ मैं बोलो गुंजन, गुंजन ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही? भाई वो गांव वाले हैं। क्या गांव में कुछ हुआ है क्या? उन्होंने घर को घेर लिया है। घर घेर लिया मतलब? देखो गुंजन, लिसन टू मी, तुम अभी के अभी घर आ जाओ, सुन रही हो? लेकिन मैं देखो हमीद गुंजन, ये हमारा हुक्म है, तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ लौटना होगा। हम मायों को भेज रहे तुम्हें लेने के लिए, समझी? मौसी माँ, हेलो। देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, गुंजन घर आ रहे हैं, मैं खुद उसे बनारस लेकर आऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, गुंजन सही सलामत घर पहुंच जाएगी। ये किस लड़के की आवाज थी? कौन हो सकता है? आप सबको हो क्या गया है? कल तक जो मेरा साथ दे रहे थे, अर्जी पर साइन किया, आज वही लोग मेरे खिलाफ जा रहे, घर के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे। वो ठीक है, चली जाती हूँ मैं वापस, नहीं करना मुझे भी ये काम। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। मैंने तुम्हारे घर वालों को वादा किया है कि तुम्हें सही सलामत घर पहुंचाऊंगा। यहाँ तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, और जब तक तो कोई ठोस मुद्दा नहीं आ जाता, तुम्हें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। यहाँ आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। ठीक, मैं वापस चली जाती हूँ। हाँ भाभी, आप यहाँ से चले जाइए, हम में से कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप मैदान छोड़कर चले गए, और इस वक्त सबसे ठीक यही रहेगा कि आप सही सलामत घर पर पहुंच जाइए। मैं हार गई चिरैया, मैं अपना वादा नहीं पूरा कर सकी। नहीं भाभी, एक चिरैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए, और ये सोचे काश ऐसा वो कदम मोड़ जाए। एक चिरैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए। मैंक ने बताया गुंजन कब लौटेगी? दीदी आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैंक गया ना उसे लेने अपनी नई गाड़ी में। क्या करे सीमा, बहुत समय से उसे देखा नहीं, बेचैनी सी हो रही है। दीदी हमारी मैंक से अब भी बात हुई है, बस वापस आ ही रहे हैं। सच? हम्म, चलो अच्छा है। So happy. मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल गया। सोचो, मुझे सीनियर मैनेजर, गुंजन मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली। एक चिरैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए, और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। एक चिरैया घूट नहीं, छोटी सी चुस्की लेकर हमें अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। गाँव का पीपल पुराना याद उसको आए। लीजिए मैडम,
आ गया आपका होम स्वीट होम। चलिए। अच्छा कुंजन, मेरी नई जॉब के बारे में सुनकर तुमने कुछ बताया नहीं? मतलब मैं अभी जो कुछ भी बोल रहा था तुमने कुछ सुना नहीं? मेरी नई जॉब, मेरा पर्सनल कैबिन और सैलरी पैकेज। हाँ, और क्या सोच रही थी? कुछ नहीं मैंग, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। इट्स ओके गुंजन, नेवर माइंड। आई थिंक तुम काफी थक गई होगी ना। चलो घर चलो, आराम करो, बाकी सब बात तुम्हें एक एक करके डिटेल में बताऊं, ठीक है? चलो। माँ, ताई जी, किधर है आप? हम आ गए। का लाख लाख शुक्र है, हमारी प्यारी गुंजन वापस आ गई और वो भी सही सलामत। मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे पता है? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? गुंजन, ये लो फ्रिज का ठंडा पानी, अब तो बहुत गर्मी होगी ना, लो। भाभी कितना पानी पी जाओगी? अगर आपने इतना सारा पानी पी लिया तो रात को खेत की ओर तोड़ोगी? नहीं चाची जी, मुझे प्यास नहीं है। मैं बहुत थक गई, थोड़ा आराम कर लूं। हमें इसकी इतनी आदत हो गई है ना कि अब सोते वक्त भी हम इसे चलाते रहते हैं। एक बात बताओ चिरैया, ये बिजली कब आएगी? है ही नहीं तो कहां से आएगी? ठीक तो हूं ना? I'm sorry, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे अपनी हार पे बहुत दुख हो रहा है। You know, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बिना लड़े हार मान लूं। I just gave up और वहां से चली आई।